हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम मैट बनाएंगे दो कलर में। ये मैंने दो कलर की चुन्नी ले ली है और इसकी इतनी चौड़ी चौड़ी ये मैंने पट्टी काट ली है। देखिए इस तरह से इतनी चौड़ी पट्टी ले ली है। फ्रेंड्स आप इसे ऊन से भी बना सकते हैं, मैं इसे पुरानी चुन्नी से बनाऊंगी। आपके पास अगर पुरानी चुन्नी है, पुरानी साड़ी है, तो आप उससे भी बना सकते हैं। कलर आपके पास जो भी है आप उसी कलर से बना लें। तो देखिए इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने ये दो कलर लिए हैं। फ्रेंड्स ये बिना जोड़ वाला डोरमैट बनाऊंगी, इसमें कोई भी जोड़ नहीं लगेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम फंदे डाल लेंगे। देखिए एक नोट बनाएंगे ऐसे, इस तरह से हम यहाँ पर एक नोट बना लेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। और देखिए इसमें हमें 10 फंदे डालने हैं। तो ऐसे सिलाई में लिया इसे हमने और ऐसे निकाल देंगे इस तरह से, और इस धागे को ऐसे टाइट कर देंगे। देखिए इन्हें बहुत ज़्यादा टाइट ना डालें ऐसे, ठीक है। फिर से देखिए हम सिलाई में ऐसे डालेंगे और इसे ऊपर से उतार देंगे ऐसे, ठीक है। ये देखिए हमारे 3 फंदे हो गए ऐसे। हमें इसमें 10 फंदे डालने हैं येलो कलर से और 10 फंदे डालने हैं पर्पल कलर से। तो देखिए ये हमारे यहाँ पर 4 फंदे हो गए, ये 5 ऐसे, ये 6, ये देखिए 6। इस तरह से आप इन्हें टाइट करते जाएं। और यहाँ पर देखिए मैं 10 फंदे डाल लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने 10 फंदे पर्पल कलर से डाल लिए हैं और 10 फंदे येलो कलर से डाल लिए। फ्रेंड्स ये आप अगर इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 10 की जगह 20-20 फंदे भी ले सकते हैं। मैं इसे 10-10 फंदे से बनाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 8 नंबर के नीडल्स लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर उल्टे उल्टे सिलाई बनाएंगे। देखिए ये 10 फंदे हैं हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। 10 फंदे देखिए हमने ये उतार लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस धागे को हम आगे लेके आएंगे ऊपर की साइड से और इसे नीचे की साइड से ऐसे बनाएंगे। देखिए अब 10 फंदे हैं हमारे ये येलो कलर के और इस धागे को, इस पट्टी को हम साथ में लेके चलेंगे। देखिए 2 फंदे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 फंदे हम बनाएंगे और एक फंदा बिना बुना छोड़ देंगे और वापस यहीं से मुड़ जाएंगे। देखिए ऐसे ऐसे। अब हम इन फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस फंदे को हम उतारेंगे ऐसे ऐसे, उल्टा उल्टा बनाएंगे ऐसे। ऐसे बना लेंगे और देखिए इस फंदे को
इस येलो को हम आगे की तरफ लाएंगे, ऐसे टाइट करके ऐसे आगे ले आएंगे। ऐसे, ऐसे, और इसे हम ऐसे दबा लेंगे। इस येलो फंदे को देखिए हम पीछे की साइड करेंगे और इससे ऐसे बना लेंगे। पर्पल जो फंदे हैं उन्हें हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। पर्पल हमें सभी फंदे बनाने हैं और येलो फंदे में हमें एक एक फंदे छोड़ते हुए बनाना है। ऐसे देखिए ऐसे बनाएंगे। लास्ट का जो फंदा है उसे हम ऐसे सीधा बनाएंगे। ऐसे ऐसे देखिए हमारी ये इस तरह से पट्टी बन के आएगी। ये फंदा है, इस फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे और बाकी सिलाई हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। उल्टा उल्टा बना लेंगे। ठीक है, देखिए अब इस फंदे पट्टी को हम ऊपर की साइड लेंगे। ऊपर की साइड से इसे हम ऐसे पीछे की साइड पलट लेंगे और इसको हम बना लेंगे। देखिए पहले हम इसे ऐसे लेंगे, ऐसे इस फंदे को ऐसे। इसे इसके ऊपर से लेंगे, इसे ऊपर लेंगे ऐसे और इसे ऐसे पलट देंगे। ऐसे पीछे की साइड ले लेंगे उस पट्टी को, क्योंकि हमें अगली सिलाई में उल्टा बनाना है उन्हें। ऐसे और ये येलो फंदे हम फिर से उल्टा उल्टा बनाएंगे। ऐसे देखिए लास्ट में हम एक फंदा फिर से छोड़ देंगे। ये देखिए हमें यहाँ पर दो फंदे छोड़ दिए और वापस हम यहीं से पलट जाएंगे। ऐसे अब देखिए इस फंदे को हम ऐसे उतारेंगे और बाकी सभी फंदे हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। ऐसे ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे इन्हें। ऐसे बनाएंगे। देखिए अब हमें इस फंदे को हम इस पट्टी को ऐसे लेंगे, इसके ऊपर से नीचे से लेंगे और इसे पीछे की साइड कर देंगे ऐसे और इसको बना लेंगे। ऐसे नीचे की साइड से इसे ऐसे ले लेंगे ताकि हमारा यहाँ पर गैप ना आए और इन्हें उल्टा उल्टा बना लेंगे। ऐसे बहुत ईजी है फ्रेंड्स इस मैट को बनाना और बहुत ही सुंदर सा हमारा बिना जोड़ के मैट बन के आएगा। ये ऐसे बना लेंगे हम इसे और धागा पीछे करेंगे। इस फंदे को हमें सीधा बनाना है। देखिए सीधा बनाने से हमारे इस तरह से ये पट्टी बन के आएगी और बहुत ही सुंदर सा हमारा मैट बनेगा। इस फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे और बाकी सभी फंदे उल्टा उल्टा बनाएंगे। यहाँ पर हमने दो फंदे छोड़ लिए हैं। देखिए इस फंदे को हम ऐसे लेंगे, नीचे की साइड से लेके इस ऐसे लेंगे नीचे से और ऊपर की साइड पीछे से
पीछे कर देंगे ऐसे, और अब इससे हम येलो फंदे बना लेंगे ऐसे। देखिए ऐसे बनाने से हमारा बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि ये जोड़ लगा है यहाँ पर। एक फंदा हम लास्ट में फिर से छोड़ देंगे। ये देखिए धागा पीछे करेंगे और यहीं से पलट जाएंगे ऐसे ऐसे। ये तीन फंदे हमने छोड़ दिए हैं। इसी तरह हम इसमें 10 फंदे छोड़ लेंगे। देखिए 9 फंदे हम छोड़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए मैं 9 फंदे छोड़ लेती हूँ, उसके बाद आपको बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने 9 फंदे छोड़ दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फंदे छोड़ने के बाद हम इस फंदे को बना लेंगे। देखिए ऐसे ही उतारेंगे हम इस फंदे को, और इन सभी फंदों को हम अब येलो येलो बनाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये जो 9वां फंदा है वो फंदा हमने छोड़ दिया है, और ये 10वां फंदा है, इसे हम अगली रो में छोड़ेंगे ऐसे। और ये सभी फंदे हम उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे, येलो कलर से बनाएंगे। देखिए ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, देखिए इस तरह से। ठीक है, और ये हमारा हाफ बन गया है, और ये दूसरा यहाँ पर शुरू हो गया है। तो देखिए धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे, सीधा बनाएंगे। देखिए इस तरह से फली बन के आएगी हमारे ऐसे। इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, ऐसे उतारेंगे, और सभी फंदे उल्टा उल्टा बनाएंगे। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और ये जो 10वां फंदा था इस फंदे को हम छोड़ेंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे इसे बनाए उतार लेंगे, और सभी फंदे हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। हमें हर बार एक फंदा छोड़ते हुए जाना है लास्ट तक ऐसे। और ये फंदा हम सीधा बनाएंगे। इस फंदे को हम उतारेंगे और उल्टी सिलाई हमें उल्टा उल्टा बुननी है ऐसे ऐसे। अब हम 9 फंदे बनाएंगे। देखिए 2 4 6 8 और 1 9, ये 9वां फंदा हमारा, और वापस यहीं से मुड़ जाएंगे। ये हमने देखिए यहाँ पर 2 4 6 8 10 और ये 11 फंदे छोड़ दिए हैं। जिस तरह से हमने ये 10 फंदे छोड़े हैं, उसी तरह से हम ये 10 फंदे भी छोड़ लेंगे। ऐसे ही छोड़ते हुए जाना है। अब हमें इस पर्पल को यहीं पे धागे को छोड़ देना है पट्टे को, और ऐसे ही बना लेंगे हम। तो चलिए ये 10 फंदे मैं छोड़ देती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ कि आगे कैसे बनाना है। देखिए ऐसे ये 2 फंदे बनाए, इस फंदे को हम उतारेंगे और इसे भी उल्टा बनाएंगे। देखिए फिर से हम ये एक फंदा, अब हमें एक एक फंदा साथ में मिला के लेना है। तो गैप भरने के लिए हम बीच में से एक फंदा उठाएंगे और दूसरे फंदे के साथ में 2 का 1 बना लेंगे इस तरह से, और वापस यहीं से मुड़ जाएंगे। अब हमें सभी फंदों को साथ में एक एक फंदा लेके बनाना है। तो देखिए ये हमारे 2 फंदे हो गए, और इस फंदे को ऐसे
सीधा ही बनाएंगे। यहाँ पर हमारे देखिए तीन फंदे हो गए, तो इस फंदे को हम बिना बुना उतरेंगे ऐसे, और इन फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए गैपिंग भरने के लिए हम यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और इस फंदे को इस नीडल्स में डाल लेंगे और दो का एक बना देंगे ऐसे, ठीक है। देखिए ऐसे इस तरह से। देखिए अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा गैप लग रहा है तो आप यहाँ से दो बार भी फंदे उठा सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी लग रहा है हमें, तो इस तरह से हम एक फंदा और ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ पर हम देखिए इन तीनों फंदों को ऐसे बना लेंगे ऐसे। ये फंदा हमारा यहाँ पर एक ही बनेगा ऐसे, ठीक है। वापिस यहीं से मुड़ जाएंगे और इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे। इस फंदे को हमें सीधा ही बनाना है आगे वाले फंदे को ऐसे, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे। तो ये देखिए हमने चार फंदे बना लिए हैं। अब गैपिंग भरने के लिए हम यहाँ से एक फंदा उठाएंगे इस तरह से, और एक फंदा यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से दो का एक बना लेंगे इस तरह से ऐसे, ठीक है। और वापस यहीं से मुड़ जाएंगे। ऐसे, ठीक है। इस फंदे को देखिए ऐसे बनाएंगे और बाकी सभी फंदे उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस फंदे को हम आगे वाले को सीधा ही बनाएंगे ऐसे। इसे हर सिलाई में हमें सीधा बनाना है ताकि देखिए हमारी इस तरह से बन के आए, ये फलीसी बन के आएगी। इससे हमारा मैट बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए ऐसे ऐसे बन के आएगा। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर फंदे छोड़े थे उसी तरह से हम यहाँ पर एक एक फंदा लेते हुए ये 10 फंदे बना लेंगे ऐसे। देखिए 3, ये 4, ये 5, और देखिए गैपिंग भरने के लिए अब यहाँ पर हम इस फंदे को ऐसे उठाएंगे ऐसे, और इस नीडल्स में इस दूसरे फंदे के साथ में बना लेंगे ऐसे ऐसे, और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से देखिए मैं यहाँ तक आती हूँ, इन 10 फंदों को बढ़ा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर बनाते हुए हम 10 फंदे तक आ गए हैं, तो गैप भरने के लिए हम यहाँ से फंदा उठाएंगे ये वाला और इसे बना लेंगे। ये हमारे यहाँ पर हमने 10 फंदे बना लिए हैं इस तरह से। धागा अपनी साइड करेंगे ऐसे, ये देखिए हमने 10 फंदे यहाँ पर बना लिए हैं। 10 फंदे बनाने के बाद अब हम यहाँ पर पर्पल कलर लगाएंगे। देखिए इस को हम यहाँ पर करेंगे और वापस इसे पीछे की साइड ले लेंगे, और जो ये पर्पल फंदे हैं, ये 10 फंदे जो हैं, ये हम अब पर्पल से बना लेंगे ऐसे। देखिए ऐसे, ठीक है, इस तरह से ये 10 फंदे अब हमें पर्पल कलर से ऐसे बना लेने हैं ऐसे। धागा पीछे करेंगे। इस फंदे को देखिए हमें हर सिलाई में सीधा बनाते हुए जाना है। देखिए एक डिजाइन हमारा ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, और एक ये बन के आ गया है। देखिए इस तरह से, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे बनेगा ये हमारा इस तरह से। अब की बार हमारी ये कली पूरी हो जाएगी, तो चलिए इसे बनाएंगे। इस फंदे को हम उतारेंगे
और बाकी यहाँ पर देखिए 10 फंदे हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे। ये 10 फंदे जो है हमें उल्टा उल्टा बना लेने हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसको हम ऊपर से पीछे की साइड कर देंगे और यहाँ पर अब की बार हमें यहाँ पर ये येलो फंदा बनाना है यहाँ पर, ठीक है। एक फंदा हमने येलो ले लिया और वापस हम यहीं से मुड़ जाएंगे ऐसे, ठीक है, इस तरह से। इसको हम पट्टी को यहाँ ले आएंगे, यहीं से मुड़ेंगे और पट्टी को यहाँ पर लेके आएंगे। अब देखिए सभी फंदे हम पर्पल से बना लेंगे। देखिए ऐसे ही पर्पल फंदे हम बना लेंगे। देखिए ये सभी फंदे हम उल्टा उल्टा बनाएंगे और लास्ट के फंदे को हम सीधा से बना लेंगे। अब इस फंदे को हम उतारेंगे ऐसे ही और बाकी सभी फंदे हम उल्टा उल्टा बनाएंगे ऐसे ऐसे बना लेंगे हम। ऐसे बनाएंगे और इस पर्पल फंदे पट्टी को हम पीछे करेंगे और इस येलो पट्टी को ऐसे आगे की तरफ ले आएंगे ऐसे और इसे बना लेंगे। हमें एक एक फंदा लेते हुए जाना है। देखिए अब हम गैप भरने के लिए यहां से एक फंदा उठाएंगे ऐसे और दो का एक बना देंगे ऐसे, फिर वापस यहीं से मुड़ जाएंगे ऐसे और इस फंदे को बनाएंगे ऐसे। और ऐसे ही ये पर्पल फंदे हम उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे बनाएंगे। लास्ट वाले फंदे को हम ऐसे सीधा बना लेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाते हुए जाना है हमें। देखिए ये एक डिजाइन हमारा यहाँ आ गया, एक हमारा ये बन गया, एक अब ये बन जाएगा और एक ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम एक एक मिलाते हुए जब जाएंगे इसे, तो देखिए इस फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे ऐसे उतारा और बाकी फंदे हम उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे। ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे ऐसे, ठीक है। देखिए अब येलो पट्टी को इसे हम पीछे की साइड करेंगे और इसके नीचे से हम येलो पट्टी को अपनी तरफ ले आएंगे और इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे। और गैप भरने के लिए देखिए हम यहाँ से एक फंदा उठाएंगे इस तरह से और इस फंदे के साथ इसे बना देंगे ऐसे, ठीक है। देखिए इस तरह से इससे हमारा कोई भी गैप नहीं आएगा, इस तरह से बन के आएगा और वापस यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से हम इन सभी फंदों को देखिए यहाँ पर एक एक करके बना लेंगे। तो चलिए मैं ये एक एक करके ये सभी फंदे बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ।
देखिए ये हमारा मैट कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हमने बनाया इसे, ये यहाँ से शुरू किया और इसमें कोई भी जोड़ नहीं आया है। इसे आप बड़ा या छोटा बना सकते हैं। जहाँ पर मैंने ये 10-10 फंदे लिए हैं, आप वहाँ पर 20-20 फंदे भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इस मैट को बना सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इन फंदों को यहाँ पर घटा देंगे, ऐसे दो का एक बना लेंगे। देखिए ऐसे दो का एक बनाया, वापस इस फंदे को इस नीडल्स में डालेंगे और दो का एक बना देंगे। फिर से इस नीडल्स में डालेंगे फंदे को, दो का एक बना देंगे ऐसे। देखिए फिर से नीडल्स में फंदे को डालेंगे और दो का एक बनाएंगे। फिर से नीडल्स में फंदे को डालेंगे, दो का एक बना देंगे। इस तरह से हम इन सभी फंदों को घटा देंगे। जो ये येलो हैं इन्हें भी घटा देंगे और जो पर्पल हैं इन्हें भी हम घटा देंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ईजी है इस मैट को बनाना। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम इस मैट को बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ईजी है इस मैट को बनाना, बहुत ईजी वे में मैंने इसे आपको बताया है, स्टेप बाय स्टेप मैंने इसे आपको बताया है। देखिए इस तरह से ये हमारा मैट बन के आया है। इन सभी फंदों को हम यहाँ पर घटा देंगे। देखिए आप इसे बड़ा या छोटा बनाना चाहें तो बड़ा छोटा बना सकते हैं। इस तरह से देखिए ऐसे ऐसे बन के आएगा ये हमारा मैट ऐसे है।